आज 27 मई है और आज से यहाँ पर छत्तीसगढ़ी फिल्मों का फिल्म महोत्सव शुरू हो चुका है। अभी हम प्रभा टाकीज के पास, आप देख सकते हैं, ये राम सागर पारा के नज़दीक है। प्रभा टाकीज यहाँ पर है और यहाँ पर तकरीबन 28 से ज़्यादा फिल्में आज से लेकर के 2 जून तक में दिखाई जाएंगी। ये देखिए, यहाँ पर पूरे के पूरे उन फिल्मों का चार्ट लगा हुआ है जिन फिल्मों को दिखाया जाना है। अगर शुक्रवार से बात करें तो शुक्रवार, शनिवार, सोमवार, 2 तारीख तक, पूरा गुरुवार तक कौन सी फिल्म किस दिन चलनी है उसका पूरा का पूरा डाटा यहाँ पे लगा हुआ है। तो अगर हम बात करें, ये जो पारिवारिक छत्तीसगढ़ी फिल्म महोत्सव ये जो शुरू हुआ है, इसमें जोहार छत्तीसगढ़ से शुरुआत हो रही है। शुक्रवार को सुबह से जो पहला शो होगा 3-12 बजे का, फिर उसके बाद एक लव स्टोरी, डार्लिंग प्यार झुकता नहीं, बेनाम बादशाह, बी ए सेकेंड ईयर, ससुराल, आई लव यू 2, फिर यहाँ पर है आई लव यू 1, सारी लव यू, राधे घूटा छाप, इस तरह की तमाम 28 फिल्में तकरीबन आप देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा चार्ट लगा हुआ है और ये सारी की सारी फिल्में 2 तारीख तक में दिखाई देंगे। हर रोज का 4 शो है जैसे कि जानकारी मिल रही है। अब ये प्रभा टॉकीज है जहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है। अब आप देखिए, तमाम फिल्मों के जो बैनर पोस्टर हैं तो यहाँ पर लगाए गए हैं। जैसे कि आज से ये जो सामने हमारे बड़ा सा बैनर दिख रहा है, ये फिल्म नेशनल अवार्डेड विनिंग फिल्म है, ये भी आज से छत्तीसगढ़ी सिनेमा में लगी हुई है। इस पूरे के पूरे शो को, पूरे के पूरे कार्यक्रम को, जो ये 4 दिनों तक महोत्सव के तौर पर चलाया जा रहा है, इसकी पूरी जानकारी हम लेंगे। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री इसको बने यहाँ लगभग 20 से 22 साल हो गया है और यहाँ की जनता जो है लगभग छत्तीसगढ़ी जानती तो है, देखना चाहती है, पर उनको मौका नहीं मिल पाता है। तो इस तर्ज पे हम दैनिक खबर भूमि समाचार पत्र और राज प्रॉपर्टी की तरफ से हमने यहाँ पर एक फिल्म महोत्सव की तैयारी करी कि जिसमें 1 हफ्ते तक हर शो पे नई नई फिल्में, जो चुनिंदा फिल्में हैं जिनको लोग, दर्शक देखना दोबारा पसंद करते हैं, और उनकी उन फिल्मों को हमने लगा करके यहाँ पर रखा हुआ है निशुल्क, जिसमें आम जनता आ करके देख सके और ये सब चीज़ें कर सके। और 4 तारीख के जो है चुनिंदा, जो जिन्होंने छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्रीज़ को एक मुकाम दिया है, जिसके नाम से इंडस्ट्रीज़ में जिनकी पहचान बनी है, उनका माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के हाथों से सम्मान वहाँ शहीद स्मारक भवन में ये भी सम्पन्न होगा। एक अच्छे स्तर पे करने का एक पहला प्रयास है हमारा, और अगर आप यूं ही प्यार मिलता रहा तो हर साल इस प्रकार के आयोजन को बिल्कुल करने की कोशिश जरूर करूँगा। तो 4 दिनों तक फिल्में, एक हफ्ता 7 दिन जी, तो कितनी फिल्में, 28 फिल्म दिखा रहे हैं, हर रोज का 400 रहेगा जी। छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री को तकरीबन 22 साल, 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, 22 साल जी, तब से लेके अब तक के छत्तीसगढ़ी फिल्मों के, छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री का सफर आप कैसे देखते हैं और ऐसे कार्यक्रमों से आने वाले भविष्य? आज तो बहुत सारी चीज़ें जो है उपलब्ध हो गई है, बहुत सारी चीज़ें उपयोगी आ चुकी है यहाँ इंडस्ट्रीज में, बहुत सारी, पहले कुछ नहीं था। उस विकट काल पर ऐसे ऐसे यहाँ के जो निर्माता हैं, निर्देशक हैं और कलाकार हैं, नाम लूँ तो नाम कम पड़ जाएंगे, समय कम पड़ जाएगा, और उन्होंने जो अपना योगदान दिया है इस इंडस्ट्रीज को खड़े करने पर, उनको बिना याद किए हम रहेंगे नहीं। और 4 तारीख के इनका भरपूर सम्मान, जिनका निधन भी हो चुका है, उनके परिवारों को भी बुलवा करके हम अपने बैनर तले उनका एक सम्मान करने की कोशिश करेंगे, ताकि इस इंडस्ट्रीज़ में रहने के बाद उनके उनके परिवार को भी लगना चाहिए कि भाई इस इंडस्ट्रीज़ में हमारे जो हैं परिवार के लोग ने काम किया है, उसको एक सराहना रूप मिले। और मेरा मानना है कि यहाँ पर मंच बहुत ज़रूरी है छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्रीज़ को खड़ा करने के लिए। जब तक इस प्रकार के जब तक आयोजन नहीं होंगे, तब तक यहाँ की जनता जो है देखना नहीं पसंद करेगी। एक प्रकार से बोलते हैं कि एक बार देखे तो आकर के, हमारी इंडस्ट्रीज़ में इस प्रकार की भी फिल्में बन रही है अच्छी अच्छी, जो देखने योग्य है, समझने योग्य है और जानने योग्य है। एक आखिरी सवाल, ये राजधानी में महोत्सव आपने शुरू किया है जहाँ पर 1 हफ्ते तक फिल्में दिखाई गई, हमारा छत्तीसगढ़ 33 जिलों का राज्य हो गया है, तो क्या ऐसे ही आयोजन सभी जिलों में करवाए होने चाहिए? होने चाहिए जी, लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। हमारा ये तो पहला प्रयास है, हमने एक इस टॉकीज को लिया है, अगली बार प्रयास में हम चाह रहे हैं कि और भी सेंटरों में हम स्टार्ट करें, वहाँ पर भी ये फिल्मों को वहाँ पर प्रदर्शित करेंगे हम हर साल जी। जो जो तो अभी जैसे मई का महीना चल रहा है, अभी काफ़ी समय बीत गया, आपने जी 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 जी, और रिस्पॉन्ड बहुत बढ़िया मिल रहा है, जैसा कि महापौर और पश्चिम विधायक का भी बहुत जी 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 जी। तो रायपुर के अलावा अभी इसी साल में कितने के है कोई प्लान वगैरह की सोचेंगे क्या? अभी तो फिलहाल नहीं, अभी इस साल पहला प्रयास था, कोरोना एक 2.5 साल के संकट से अभी गुजरे हैं और बहुत सारी त्रासदियों को भी लोगों ने झेला है, देखा है, अभी अभी सब चीज़ें नॉर्मल होना स्टार्ट हुई है,
तो एक कह सकते हैं कि 3 साल के बाद एक बड़ा आयोजन यहाँ छत्तीसगढ़ में हो रहा है, और अब देखते हैं आगे क्या ईश्वर की क्या कृपा है।